और जैसे ही मैंने अटैच किए हैं दोस्तों, अब आप खुद ही अपनी आंखों से देख सकते हैं प्योर साइन वेव की वेव्स आ रही हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर अपना जो है ये इन्वर्टर को बंद करता हूँ, आप देख सकते हैं ये बंद किया, वेव चली गई, लोड बंद हो गया, और जैसे ही मैंने चलाया है आप देख सकते हैं प्योर साइन वेव आ रही है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज मी सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज की जो है वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है और आज की वीडियो आप सब दोस्तों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ, एक ऐसा जुगाड़ बताने वाला हूँ जिससे आप किसी भी मॉडिफाइड या स्क्वेयर वेव इन्वर्टर को प्योर साइन वेव इन्वर्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए इतना ज़्यादा खर्चा नहीं है, मैक्सिमम 500 से 600 रुपये का खर्चा है। आप अपने इस किसी भी मॉडिफाइड इन्वर्टर को 500 वाट 1000 वाट 1500 2000 वाट तक के इन्वर्टर को आप प्योर साइन वेव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसको किस तरह कन्वर्ट करना है, उसके लिए क्या क्या कंपोनेंट्स की जरूरत है, क्या तरीका है, मुकम्मल वीडियो को देखना, मुकम्मल वीडियो को सपोर्ट करना। तो अभी मैं जो हूँ 500 वाट को आपको कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ, इंशाल्लाह फिर इससे बड़े इन्वर्टर को भी कन्वर्ट करके दिखाऊंगा प्योर साइन वेव में सिर्फ 500-600 रुपए में। अगर आपने इस वीडियो को सपोर्ट अच्छा किया तो इंशाल्लाह और इसको मॉडिफाइड या स्क्योर वेव इन्वर्टर को कन्वर्ट करने पर, प्योर साइन वेव में कन्वर्ट करने पर और वीडियोज़ आती रहेंगी। तो इस वीडियो का बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है, तो टाइम को ज़्यादा ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं इसको मॉडिफाइड से प्योर साइन वेव में कन्वर्ट। तो दोस्तों ये आपको बताया कि जितने भी इन्वर्टर हैं 500 वाट 1000 वाट 1500 वाट मार्केट में जितने भी मिल रहे होते हैं, एक तो ये इन्वर्टर मिल रहे होते हैं सस्ते क्योंकि चाइनीज इन्वर्टर होते हैं, और इनके अंदर सबसे बड़ा एक नुकसान ये होता है कि ये मॉडिफाइड साइन वेव होते हैं, स्क्वेयर साइन वेव होते हैं, क्योंकि ये जो है एक मशीनरी इनका वेव जो है इनके जनरेट की जाती है जो कि स्क्वेयर फॉर्म में या मॉडिफाइड फॉर्म में होती है। इनको मॉडिफाइड से भी कहा जाता है क्योंकि ये खुद बनाई गई होती हैं। तो इन वेव्स को मॉडिफाइड को प्योर साइन वेव में किस तरह कन्वर्ट करना है वो आज तरीका बताऊँगा, लेकिन उससे पहले इस इन्वर्टर को टेस्ट कर लेते हैं इसकी वेव्स किस तरह की आ रही हैं। तो इसको टेस्ट करने के लिए मेरे पास ये छोटी सी बैटरी है, मैं इसके साथ लगा के ऑन कर लेता हूँ, और आप देख सकते हैं इन्वर्टर ऑन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास ऑसिलोस्कोप है जिससे मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा कि आखिर इसके किस तरह की वेव्स आ रही हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इसके जो हैं वेव चेक करवा देता हूँ। तो इसके लिए मैं अपने ऑसिलोस्कोप को इसके साथ अटैच कर देता हूँ, और उसके बाद जो है मैं इसको पावर ऑन करके आपको टेस्ट करवाता हूँ। तो अभी मैं करने लगा हूँ जी पावर ऑन, 3 2 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने पावर ऑन किया है आपको यहाँ पर जो वेव्स दिख रही हैं वो मॉडिफाइड दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पर मॉडिफाइड ही वेव जनरेट हो रही हैं। तो अब ये ऑप्शन ये है कि बहुत से लोग कहते हैं भाई हमें मॉडिफाइड के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट नहीं चलानी, या प्रोडक्ट हम चलाते हैं तो हमारी मोटरें आवाज़ देती हैं, अजीब सा शोर आता है मोटरों के अंदर से, क्योंकि वो मॉडिफाइड साइन वेव होती हैं। और यहाँ पर भी ऑसिलोस्कोप पे देख सकते हैं आप मॉडिफाइड ही वेव जनरेट हो रही हैं। तो अब मैं करने वाला हूँ एक ऐसा जुगाड़ आपको बताने वाला हूँ जिससे आप इस मॉडिफाइड इन्वर्टर को या किसी भी मॉडिफाइड इन्वर्टर को प्योर साइन वेव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ दो प्रोडक्ट की ज़रूरत है जो कि 500-600 रुपये में ये इससे सस्ती भी आपको आपके इलाके से मिल सकती है। तो कौन सी दो प्रोडक्ट है मैं दिखाता हूँ। तो ये दो प्रोडक्ट हैं दोस्तों जिससे मैं आज अपने मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर को प्योर साइन वेव इन्वर्टर में कन्वर्ट करने वाला हूँ। ये दो प्रोडक्ट आपको अपने जो है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप या बिजली की दुकान से आराम से मिल सकती हैं। बहुत से लोग कहेंगे भाई ये कौन कौन सी दोनों प्रोडक्ट है, भाई ये है एक चौक जो कि ट्यूबलाइट में होती है, जो आपको पता है पुराने ज़माने में या 5-6 साल 8 साल पहले जो ट्यूबलाइट्स यूज़ होती थी बिजली वाली, उनके अंदर इतनी मोटी चौक लगी होती थी। एक तो ये चाहिए होती है हमें, और एक फ़िल्टर के लिए कैपेसिटर चाहिए होता है। तो ये कैपेसिटर हैवी ड्यूटी है, इसको हमें यूज़ करना है। ये जो है दोस्तों 3.3 UF 300 से 350 वोल्ट तक का है, और ऊपर से ये एक बड़ी चौक है। तो इस चौक के ज़रिए आज मैं आपको कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ, और साथ इसके ऊपर लोड भी चला के दिखाऊंगा कि प्योर साइन होने के बाद लोड चलता है या नहीं। तो अभी हमें इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, इसकी जो है डायग्राम भी जो है मैं आपको समझा देता हूँ किस तरह कनेक्ट करना है। इसको कनेक्ट करना बहुत आसान है, आपने इसकी जो आउटपुट वाला स्विच है जो आपके इन्वर्टर से आ रहा है वो आपने लगा देना है जी अपने एक चौक के अंदर। तो इसको अटैच करने के बाद मैंने इसकी वायर जो है अटैच कर ली है जी अपने जो है इन्वर्टर के अंदर, और ये कनेक्शन हो चुका है कंप्लीट। इसकी डायग्राम स्क्रीन के ऊपर भी आ रही होगी, वहाँ से भी देख के आप इसको कर सकते हैं। तो मैं अब आपको इसकी जो है प्योर साइन वेव चेक करवाता हूँ, इसके आउटपुट पे ही चेक कराऊंगा जहाँ पर इसके जो है लोड भी चल रहा होगा। तो इसके साथ हम कोई एक आधा लोड भी अटैच कर लेते हैं।
तो लीजिए दोस्तों, सारी वायरिंग वगैरह भी कर ली है। उसके बाद मैंने इसके साथ आउटपुट पे एक बल्ब भी अटैच कर दिया, ताकि आप लोगों को पता चले आखिर इसके आउटपुट पे जो फ्रीक्वेंसी या हमें वेवफॉर्म मिल रही है वो ओरिजिनल मिल रही है नहीं। तो जल्दी से मैं कर देता हूँ पहले से ऑन। तो यहाँ पर मैंने ऑन कर दिया, और ऑन करते ही आप देख सकते हैं अभी कोई वेवफॉर्म नहीं आ रही, क्योंकि मैंने इसके साथ अभी इसकी वायर वेवफॉर्म की अटैच नहीं की। तो मैं जैसे ही अटैच करता हूँ, आप यहाँ पर देख सकेंगे कि यहाँ पर आपको वेव्स आना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही मैंने अटैच किए हैं दोस्तों, अब आप खुद ही अपनी आंखों से देख सकते हैं प्योर साइन वेव की वेव्स आ रही हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर अपना जो है ये इन्वर्टर को बंद करता हूँ, आप देख सकते हैं ये बंद किया, वेव चली गई, लोड बंद हो गया। और जैसे ही मैंने चलाया है, आप देख सकते हैं प्योर साइन वेव आ रही है। अगर मैं यही वेव सेम जो है लोड के या अपने जो इंडक्टेंस और ये जो कैपेसिटेंस लगा इसे बाहर बैक साइड पे टेस्ट करूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें स्क्वायर वेव फिलहाल सेम मिल रही है। लेकिन जैसे ही मैं इसको इंडक्टेंस से आगे या कैपेसिटर जहाँ पर लोड वगैरह लगा वहाँ पर टेस्ट करता हूँ, तो सेम हमारी जो है वेव्स दोबारा यूज़ हो रही हैं प्योर में। तो ये एक जो है सिंपल सा फार्मूला है जिसके ज़रिए आप इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस यानी कि LC फिल्टर लगाकर अपने किसी भी मॉडिफाइड इन्वर्टर को प्योर साइन वेव में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे जो है आपके चौक पे भी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता और आपका लोड भी बेहतरीन चलता है। बहुत से लोग कहेंगे भाई आपने तो सिर्फ बल्ब चला के दिखाया, बाकी आप इसको बड़ा लोड भी चला सकते हैं। क्योंकि मेरे पास अभी बैटरी छोटी पड़ी है, इसलिए मैं छोटा लोड ही चेक करा रहा हूँ ताकि बैटरी जल्दी बंद ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए। तो आप इसको बड़ा लोड लगा के इस तरह की चौक और कैपेसिटर को लगा के अपने जो है इन्वर्टर को प्योर साइन वेव में बना सकते हैं। मैं दोबारा एक बार फिर टेस्ट करवा देता हूँ ऑन, जैसे कि आप देख सकते हैं सेम वेव्स जो है शो हो रही है। जैसे ही बंद करूँगा वेव चली जाएंगी। तो ये एक तरीका है जी प्योर साइन वेव में किसी भी इन्वर्टर को बनाने का। तो लीजिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये तरीका पसंद आया होगा और आपको समझ भी आ गई होगी कि किस तरह आप प्योर साइन वेव में एक मॉडिफाइड इन्वर्टर को प्योर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको अगर बहुत से लोग ये भी कहेंगे भाई ये तो छोटी चौक है, इसके ऊपर लोड छोटा ही चल सकता है। जी हाँ, अगर आपको बड़े लोड चलाना है या हैवी लोड चलाना है, जैसे कि ड्रिल मशीन वगैरह होगी, ये चीज़ें होगी, इसके लिए आप थोड़ी बड़ी चौक ले लें और उसको इसके जो है अटैच कर लें। जो छोटी चौक है इसको आप ज़्यादातर जो है स्मार्ट डिवाइसेज के लिए इस्तेमाल करें। अगर आपने प्योर साइन वेव बनाकर स्मार्ट डिवाइसेज भी यूज़ करना है उसके लिए चौक बेहतरीन है, जैसे कि बल्ब हो गया, LED बल्ब वगैरह हो गए, TV हो गया, आपके LCD वगैरह होगी, इस तरह की जो ऐसी जो है स्मार्ट प्रोडक्ट है जिनको जलने का खतरा होता है मॉडिफाइड के ऊपर, तो आप इस तरह प्योर साइन वेव में कन्वर्ट करके अपने इन्वर्टर को जो है प्योर साइन वेव में बना सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने अच्छा सपोर्ट किया तो फिर मैं एक 2000 वाट को कंप्लीट प्योर साइन वेव में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा और उसके ऊपर 1500 वाट तक का लोड भी चला के दिखाऊंगा प्योर साइन के ऊपर। तो उसके लिए इस वीडियो को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है, तो सपोर्ट जैसे ही मिलेगा मैं इंशाल्लाह जल्द वीडियो ले आऊँगा। तो इस तरह दुआओं में याद रखना, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।